नाचते हैं गाते हैं हरि कथा श्रवण करते हैं और पेट भर के महाप्रसाद खाते हैं। पुण्य का वर्धन हो रहा है, पाप का वर्धन नहीं हो रहा है। एक बात बताऊंगा, वाणी को पूर्ण करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने गीता में कहा है तीसरे अध्याय में, यज्ञार्था कर्मोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, भक्ति में कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी कहते हैं एक सोने की हथकड़ी दूसरी लोहे की हथकड़ी है, कौन सी आप स्वीकार करोगे? सोने की हथकड़ी। लालची लोग क्या करेंगे? सोने की हथकड़ी देंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ना सोने की लेगा ना लोहे की लेगा। क्यों? क्योंकि हथकड़ी का काम केवल बांधना है, चाहे वो सोने की हो या लोहे की हो। तो बुद्धिमान मनुष्य कैसे रहना चाहेगा? बंधन मुक्त। वैसे ही पुण्य कर्म भी क्या करेगा? बांधेगा। और पाप कर्म भी क्या करेगा? बांधेगा। पुण्य कर्म करोगे सुख यहाँ पे मिलेगा, ऊपर जाके स्वर्ग प्राप्ति होगी, लेकिन शरीर पुण्य मर्द लोगों में शक्ति पुनः इस मृत्यु लोक में आ गया। इस मृत्यु लोक का स्वरूप क्या है? दुख का आलय, अशाश्वत दुखों का आलय है। और पाप कर्म करोगे तो दुख भोगोगे, नरक की घोर यात्रा सहन करके फिर यहीं पे आओगे। यानी चाहे पुण्य करो या पाप करो यहीं पे आना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा मार्ग है भक्ति में कर्म करो। ये जो हम लोग आए हैं नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं, ये क्या है? अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। ये आपका जो समय है ये सार्थक हुआ, ये आपका जो कर्म है ये भक्ति में कर्म में लाएगा, उसका कर्म का बंधन नहीं बनेगा। तो कोई बोलेगा कि अरे हम क्या काम धंधा छोड़ दे, हम क्या खाना पीना सोना घूमना, हाँ ये सब छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, और एक समय भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जाके हरि हरि नारायण नारायण करते रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवान। तो ऐसी कौन सी विधि है कि हमारा काम भी चल जाए और भगवान का सेवा भी हो जाए? तो सुनो, प्रभुपाद जी कितना सुंदर रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन किसने मिला? भगवान की भक्ति करने के लिए। माता पिता केवल एक क्या है? निमित्त है हमको इस शरीर प्रदान करने के लिए। माँ और पिता, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो अरेंजमेंट पूरी पिता करता है क्या? कौन करता है? तमेव माता च पिता तमेव नारायण करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की नाल बच्चे से जुड़ी होती है, माँ जो खाती है बच्चे को प्राप्त होता है। माँ के गर्भ से जब प्रसूत होता है तो माँ के पयोधरों में दुग्ध की निर्मिति करती है। कौन करता है? पिता करता है, दादा दादी करते हैं, नाना नानी करते हैं, चाचा चाची करते हैं, नारायण करते हैं। और जब वो खाने योग्य होता है तो दांत आ जाते हैं, है कि नहीं? और भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। तो ये मनुष्य जो भगवान ने उनको जानने के लिए दिया है, और जानने के लिए सुनना पड़ेगा। तो हम अगर ये मान ले, प्रभुपाद जी कितना सुंदर रास्ता बता रहे हैं, विधि क्या है, अगर ये समझ ले कि मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण नारायण को कृष्ण को जानने के लिए मिला है, उनके तत्व को जानने के लिए मिला है, तो ये शरीर के द्वारा ही जान सकते कि नहीं? बताओ, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा यहाँ पे आए हैं क्या? कोई अपने में ऐसा समझता है कि मैं बिल्ली सुअर कुत्ता ऐसा ऐसा नहीं ना? कोई ना आया कि बाहर देखो यहाँ पे कौन बैठे हैं जो मनुष्य जन्म को प्राप्त किए, मनुष्य शरीर को प्राप्त। तो भगवान ने मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। इतना अगर हम समझ ले तो ये शरीर की रक्षा के लिए खाना भी जरूरी है या नहीं? इस शरीर के लिए रक्षा के लिए सोना भी जरूरी है, अगर सोएंगे नहीं तो चिड़चिड़ हो जाएगा। इस शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र भी जरूरी है, इस शरीर की रक्षा के लिए घर भी जरूरी है, तो बरसात में भीगते रहेंगे। यानी ध्यान दो, इस शरीर की रक्षा के लिए खाना पीना सोना सब कुछ हो रहा है, उसके लिए धन अर्जन भी करने के लिए 8 घंटा काम करो, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो शरीर की रक्षा कर पाओगे, आहार निद्रा सब दे पाओगे। लेकिन शरीर अगर ये मान लेंगे कृष्ण को जानने के लिए है, तो शरीर की रक्षा के लिए जो भी हम संसारी कार्य कर रहे हैं वो भी भक्ति में कर्म बन जाएंगे, और उस कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का नाम लेना, शरीर संसार को दीजिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम
नित्य प्रति अपने घर में जब जगोगे तो नहा धोके भगवान के सम्मुख बैठ के इस महामंत्र का जप कर लेना, कम से कम 108 बार तो बोलिए। देखो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो 16 नाम होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, 16 हो गए कि अगर 108 बार बोलोगे इस महामंत्र को तो 1728 नाम हो जाएंगे। कितने नाम हो गए? 1728। अगर 16 माला करोगे तो 27,000 से ज्यादा, यानी 27,000 नाम हो जाते हैं। तो एक माला करने के लिए 108 बार इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे जो 10 मिनट लगते। कितने मिनट? कितने की श्लोक बोलोगे फिर? तो आप एक नियम लो चतुर्मास में, अभी पहला महीना चालू है और मैंने कहा था योग निद्रा धारण करते हरि, तो इस योग निद्रा की अवस्था में जो भी भगवान का भजन करता है अन्य महीनों से ज्यादा हरि उस पर कृपा करता है। इसलिए कितना सिंपल, अपने 24 घंटे ठाकुर जी दिए, 10 मिनट तो भगवान को दो और क्या करो, सुबह उठ के नहा धो के ठाकुर जी के सम्मुख बैठो अपने घर में और भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे करेगा। हाथ ऊपर कर रहे हो याद रखो, भगवान के सामने कर रहे हो, भगवान के मंदिर में डरो मत। इतना क्यों कर रहे हो भैया, हाथ नीचे कर लिया तुमने, भगवान थोड़ी ना हाथ काट देंगे, वो तो आपको बुद्धि देंगे, याद दिलाएंगे कि देख तूने हाथ ऊपर किया था, भूल मत जाना। बिंदा हाथ ऊपर करो, 10 मिनट नहीं दे सकते आपको, दे सकते कि नहीं दे सकते? तो हाथ ऊपर करो दोनों भी, हाँ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस 10 मिनट देना है ठाकुर जी को रोज और एक पवित्र नाम का उच्चारण करो, देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, कितना आनंद आने लगेगा, क्योंकि नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य तो पूर्ण शुद्ध अभिनत्वात् नाम नामिनो, भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नरक उतर ही पार, केवल नाम का भजन करने से ही भवसागर से पार हो सकते और कोई रास्ता नहीं है। इसके आइए उन्हीं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। ये झूलन का महीना है और आगे ठाकुर जी का आविर्भाव भी है, तो हमारे पास अभी समय है, पौना घंटा है, हम ऐसा ठाकुर जी के नाम कीर्तन में तल्लीन हो जाइए जिससे भगवान ही प्रसन्न हो जाए। तो धाम की यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो सखी को कह रही है, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन मेरे दिल में उठे
दीवानी हो गई, काम कर
वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। Hey.
Hare Krishna!